हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो के अंदर बोला था, कल हम लोगों ने सीखा था एंड्रॉयड ऐप है वो बनाना, बिना कोडिंग के बिना प्रोग्रामिंग के हम लोग एंड्रॉयड ऐप है वो अपनी कैसे बना सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो यानी आज जो वीडियो अब आने वाला है उसके अंदर मैं आपको iOS या एप्पल आप फ़ोन यूज़ करते हो तो उसके लिए हम लोग वो ऐप है वो कैसे लॉन्च करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि आप लोग जब आईफोन यूज़ कर रहे हो तो उस आईफोन के लिए ऐप वो कैसे लॉन्च करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तभी आप वो सीख पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना है और बहुत ही इजी तरीके से आप वो अपनी ऐप वो लॉन्च कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, एप्पल के लिए आपको आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले है वो इस वेबसाइट को है वो अपने गूगल क्रोम में सर्च करना है और सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे स्टार्टिंग में तो आपको ऑप्शन आएगा, तब लोग यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इंटर योर बिजनेस नेम है वो सर्च करना है। तो मान लो आपका जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ मेरा TECHNICAL टेक्निकल दोस्त इंडिया और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको ऑप्शन आ रहा है कि एजुकेशन पर्पज से, मतलब आपको एक कैटेगरी है वो चूज करनी है, तो मैं बिजनेस के पर्पज पे कर देता हूँ। अब आपको अपने हिसाब से जो आपको दिख रहा है उनमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो उनमें से कोई भी कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, तो अब आप एंड्रॉयड के लिए कर रहे हो या आईफोन के लिए, मैं आईफोन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सेव और कंटिन्यू पे कर देना है। तो जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू पे करोगे तब जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ से क्या करना है, साइन अप करना है। तो आपकी जो एप्पल की आईडी है वो वहाँ से, जो एप्पल का डाउनलोड मैनेजर है, जैसे मैंने एंड्रॉयड वाले वीडियो के अंदर बताया था, आपने नहीं देखा है तो नीचे जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देखिए। वैसे की वैसे आपके पास एक मेल आएगी, उस पर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप इस ऐप के सोर्स पर वो डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद में आप वो यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, एक बार आप खुद ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से आप अपनी खुद की एप्पल की जो ऐप है वो आप खुद है वो बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एप्पल की या बोल दो iOS की ऐप वो लॉन्च कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पे आपको वह कुछ पे भी करना पड़ सकता है ऐप को लॉन्च करने के लिए। तो आप ऐप को मॉडिफाई तो कर लोगे, वहाँ पे आपके जो डेटाबेस है वो उसके अंदर डिटेल फुल फिल करके ऐप तो लॉन्च हो जाएगी, लेकिन उसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। और मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।